हाल ही में विदर्भ के तीन व्यक्तियों मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद अतीक और मंसूर हसन जामी को जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी के सदस्य नामांकित किया गया है। इन तीनों नए नामांकित वक्फ सदस्यों ने उनके इस सदस्यता के लिए मदद करने और उन तीनों को सदस्य बनाने के लिए प्रयास करने पर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल मन्नान सेठ के आवास पर पहुंचकर उन्हें शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और प्रसन्नता जताते हुए अब्दुल मन्नान सेठ का धन्यवाद किया। इस अवसर पर शाहीन संस्थानों के संस्थापक अब्दुल खदीर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अब्दुल मन्नान सेठ और वक्फ एडवाइजरी कमेटी के नए नामांकित सदस्य मोहम्मद अतीक ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। जिला वक्फ कमेटी एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान जनाब फैयाज साहब, अतीक साहब और मंसूर हसन जामी, ये तीनों जो नए नामजद मेंबरान हैं, इन्होंने मोहब्बत और खलूस का इजहार किया। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों हजरात बहैसियत मेंबर औकाफ के इदारे में एक फ़ाल काम करेंगे और औकाफ की जायदाद को बचाने के लिए और उसे मैक्सिमम फ़ायदा निकाल करके कौम और मिल्लत को पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज मन्नान साहब के पास इसलिए आए हैं, उन्होंने कोशिश करके मुझे मंसूर साहब और फयाज साहब सना क्रेशर को वक्फ बोर्ड मेंबर बनाया है। हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं।